कर जाएगी दूसरा। इसके अलावा उसके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट थे, परिवार की एक रजिस्टर की कॉपी थी। जांच चल रही है, जो पासपोर्ट है उनकी भी, वो भी इंक्वायरी में। फोन वगैरह जो मिले हैं वो हम फॉरेंसिक लैब भेज रहे हैं, उसमें जो डेटा वगैरह उसके होंगे वो उसकी रिकवरी कराएंगे, और उसमें क्या क्या कॉन्टेक्ट उसके सेव है, और तो इन सब चीजों पर एनालिसिस किया जाएगा। फॉरेंसिक लैब भेजने की प्रक्रियाएं होती है, वो सारी चीजें की जा रही है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम करना होता है, क्या वो चाहते हैं एक्सपर्ट से। उसके बाद उसको प्रोड्यूस करना होता है, उस पर जो मोबाइल है उस लोकल जो कोर्ट है CGM का उसके पास, और उनसे रिक्वेस्ट करना होता है कि हमको अलाउ किया जाए इसको एक्सपर्ट के पास भेजने के लिए। जब वो ऑर्डर कर देता है तो वो चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइंस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूँ सीमा हैदर के ऊपर एक बड़ी अपडेट। सीमा के 4 मोबाइल फोरेंसिक लैब नहीं पहुँचे, शक की वजह 2 पासपोर्ट, हर डॉक्यूमेंट में उम्र अलग, 5वीं पास की हिंदी अंग्रेजी पराठेदार। सीमा हैदर की जांच में यूपी पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास एंट्री टेररिजम स्क्वाड यानी ATS की भी एंट्री हो गई है। 17 जुलाई को यूपी ATS की टीम ने ग्रेटर नोएडा के रमपुरा गांव से सीमा और उसके कथित पति सचिन को हिरासत में ले लिया। उसने 6 घंटे तक अलग अलग पूछताछ की। भारत में सीमा का शक बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान के सिंध में सीमा से गुस्साए डाकू हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। यूपी पुलिस ATS और IB सीमा और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के कनेक्शन की जांच कर रही है। सीमा के फोन कॉल डिटेल पाकिस्तान से दुबई, फिर काठमांडू और वहां से ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने की स्टोरी को वेरीफाई किया जा रहा है। पूरी जांच में सीमा के 2 पासपोर्ट और 4 मोबाइल से सबसे ज्यादा शक के घेरे में है। IB को इनपुट मिला है कि सीमा हैदर के भाई पाकिस्तानी सेना में है, चाचा भी सेना के सूबेदार हैं। पहले सीमा ने कहा था कि उसका भाई सेना में नहीं है बल्कि भर्ती की तैयारी कर रहा है। उधर एक निजी अखबार की पड़ताल में सामने आया कि पहली बार सीमा की गिरफ्तारी के 14 दिन बाद भी यूपी पुलिस उसके मोबाइल फोरेंसिक लैब नहीं भेज पाई है। एक निजी अखबार ने सीमा के खिलाफ जारी जांच की अपडेट के लिए रघुपुरा थाने के इंचार्ज सुधीर कुमार और देवल थाने के इंचार्ज मनोज कुमार सिंह से बात की। ये केस पहले रघुपुरा थाने के पास था। सीमा की रिहाई यानी 7 जुलाई से पहले ही हाई लेवल जांच के लिए इस केस को ग्रेटर नोएडा के जेवर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था। उधर सूत्रों के मुताबिक यूपी ATS पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में भारत आने के दौरान सीमा किस किस से मिली और किन किन लोगों ने उसकी मदद की, सीमा हैदर ने अपने सिम से किन किन लोगों से बात की, उसके पास कितने मोबाइल फोन और मोबाइल नंबर हैं। फिलहाल यूपी पुलिस ATS और IB को सीमा की कहानी पर कई शक हैं। पहला, सीमा पाकिस्तान से आई और वापस जाने पर जान से मार दिए जाने का खतरा बता रही है। सीमा बिना किसी ट्रेनिंग के इंडियन मीडिया जैसी बात कर रही है और कितनी सहज है ये सवालों के घेरे में है। 10 दिन इंडिया में रहने के बाद से ही सीमा बोलचाल में शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। बोलने वाली सीमा अचानक शुद्ध हिंदी बोलने लगी है। हिंदू संस्कृति के बारे में भी उसे काफ़ी जानकारी है। सीमा के पास 2 पासपोर्ट और 4 मोबाइल फोन के अलावा फर्जी डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। 5वीं पास सीमा ऑनलाइन गेम पबजी की अच्छी प्लेयर है। उसने मारिया खान के नाम से ID बनाई थी। सीमा ने नाम बदलकर ID क्यों बनाई। सीमा के हर डॉक्यूमेंट में उम्र अलग है, वो खुद को 27 साल की बताती है। हालांकि पाकिस्तान के एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले की है। दोनों थाना इंचार्ज से बात करने के बाद एक निजी अखबार को यह पता चला कि ये केस फिलहाल पूछताछ के लेवल पर ही है। सीमा के 4 मोबाइल जिनसे संवेदनशील डेटा और लोकेशन पता की जानी थी 13 दिन बाद भी फोरेंसिक लैब तक नहीं पहुंच पाए हैं। उधर भारतीय मीडिया में सीमा को किसी सेलिब्रिटी की तरह कवरेज मिल रही है। पूर्व DGP विक्रम सिंह कहते हैं कि सीमा को फ्री में पब्लिसिटी मिल रही है, उसकी 5 उंगलियाँ घी में और सर कड़ाई में है। आप इसे बारीकी से देखें तो ये सब इसका सहज नहीं है जितना दिख रहा है। उसके तौर तरीके और लहजा बता सकता है कि उसकी ट्रेनिंग हुई है। इसे कंसीलमेंट कहते हैं। किसी देश में जासूस भेजने से पहले उसे वहाँ के तौर तरीके, भाषा और लहजा पूरी तरह से सिखाया जाता है ताकि वह वहाँ रम जाए। क्या पता उसे बच्चे स्लीपर सेल की तरह हो। भविष्य
विषय में भी अपने रोल में आए, हालांकि ये शख्स जांच के बाद पुख्ता होंगे। जांच की प्रोसेसिंग धीमी होने पर पूर्व डीजीपी कहते हैं कि ऑलरेडी 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, सभी जांच एजेंसियां इस मामले की छानबीन में लगी होंगी, पुलिस भी जांच ही कर रही होगी, मैं नहीं जानता कि जांच कहां तक पहुंची है। दूसरी तरफ बिहार के पूर्व डीजीपी अभयनंद कहते हैं कि हमें सीमा को यहां रखकर खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, उसे रिपोर्ट करने में दिक्कत क्या है, अब तक उसके मोबाइल फॉरेंसिक लैब नहीं भेजे गए, इतने संवेदनशील मामले में लैब में भेजने में तो इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, लैब में जाने के बाद जांच में ठीक ठीक समय लगता है। दुश्मन मुल्क की सीमा सच में प्यार के चक्कर में आई है या किसी साजिश का हिस्सा है, यह जांच पूरी होने के बाद ही तय होगा। जांच का पहला और सबसे अहम कदम उनके मोबाइल को फॉरेंसिक जाँच है। सीमा हैदर 4 जुलाई को गिरफ्तार हुई, करीब 1.5 महीने तक बिना पहचान बताए रघुपुरा गांव के सचिन की पत्नी बनकर रहती रही। कोर्ट मैरिज करने के लिए उसने वकील से संपर्क साधा तो बाद पुलिस तक पहुंची। 4 जुलाई को सीमा, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल की गिरफ्तारी हुई। रघुपुरा थाने की पुलिस ने सीमा से कई दस्तावेज और मोबाइल बरामद किए। सीमा हैदर के 2 पासपोर्ट, एक सीमा के नाम से है तो दूसरा हैदर जैदी के नाम से। 4 बच्चों के 4 पासपोर्ट, पाकिस्तान का फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड, 4 अलग अलग मोबाइल फ़ोन और नंबर, इनमें से एक भारत आने से ठीक पहले खरीदा, कुछ कपड़े और मेकअप का सामान। रघुपुरा थाने के थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि सबसे ज़्यादा शक के घेरे में 4 मोबाइल और 2 पासपोर्ट हैं, सभी मोबाइल एंड्रॉयड हैं, 2 पासपोर्ट में नाम अलग अलग होना भी शक बढ़ाता है, इन सब में हमने सबसे पूछताछ की है। आगे की जांच के लिए सीमा, सचिन की रिहाई से पहले ये केस जेवर थाने में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, हमने जो चीज़ें बरामद की वो ये वे सब भी जेवर थाने में सौंपी हैं। सच जानने के लिए फोन डेटा सबसे ज़्यादा अहम, जेवर थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि हमने पूछताछ की है और अभी यह जारी रहेगी। उनसे पूछा गया है कि मोबाइल से क्या डेटा रिकवर हुआ है तो जवाब मिला, अभी मोबाइल को हम फोरेंसिक लैब भेजने की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद ही डेटा रिकवरी और उसकी साइंटिफिक एनालिसिस होगी। फोरेंसिक लैब में मोबाइल कब तक पहुंचेंगे इस पर जवाब मिला, लैब में भेजने की प्रक्रिया पूरे होने के बाद। फोरेंसिक लैब में जांच में कितना वक्त लगता है, जवाब मिला 10 से 15 दिन। हम कम से कम समय में जांच रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। क्या सीमा के पति गुलाम हैदर से बातचीत हुई, जवाब मिला हम देश के भीतर ही अभी पूछताछ कर रहे हैं। सीमा के कथित प्रेमी सचिन से बात हुई है, उसके घर वालों से हुई है। ये बातें एक निजी अखबार को थानाध्यक्ष ने 14 जुलाई को बताई थी और एक निजी अखबार ने 15 जुलाई को उन्हें फ़ोन किया, फोन होगा लेकिन फिर कट गया। दरअसल एक निजी अखबार उनसे सीमा के मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया में पुलिस कहां तक पहुंची यह जानना चाहती थी। एक निजी अखबार उन्हें व्हाट्सएप पर सवाल भेजे पर जवाब नहीं मिला। वहीं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयनंद कहते हैं कि हमें सीमा को वापस उसके देश भेज देना चाहिए, गैरकानूनी तरह से भारत में दाखिल होना और अब यहां एक परिवार के साथ रहना खतरा बन सकता है। मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक लैब में भेजने की प्रक्रिया पर उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक लैब में मोबाइल भेजना इतना मुश्किल नहीं है, मामला इतना संवेदनशील हो तो जल्द उसे लैब में भेज देना चाहिए ताकि रिपोर्ट भी जल्दी आए। अभयनंद कहते हैं कि लैब में भेजने की प्रक्रिया के तहत सबसे पहले पुलिस सेट को कन्वेंशन बनाती है, यानी जिनके जवाब से एक्सपर्ट चाहिए, फिर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एक डिपिटेशन डाली जाती है और कि वे उन्हें मोबाइल की फॉरेंसिक लैब में भेजने की परमिशन दे। अमूमन CGM इतने संवेदनशील मामले में तुरंत परमिशन दे देते हैं। वे कहते हैं कि सीमा को नेपाल तक का वीज़ा मिला था तो उसे नेपाल में ही रहना था, भारत नहीं आना था। दूसरी बात, वीज़ा सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, उसे भारत से वीज़ा नहीं मिला तो कोई कारण रहा होगा, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि सीमा को डिपार्ट करने के सवाल पर यूपी के पूर्व DGP विक्रम सिंह कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, सीमा आरोपी है, उस पर केस चल रहा है, वह जमानत पर रिहा है, जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आएगा तब तक सीमा को भेजा नहीं जा सकता, फैसले से उसे जेल होगी या फिर कुछ और, लेकिन आरोपी की सच्चाई सामने आने तक उसे डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, तब तक सीमा पर कड़ी नज़र रखना चुनौती भी है और ज़रूरी भी है। पाकिस्तान के उत्तरी सिंध के जिले कशुमरकत कोत में
उगाही गांव में 15 जुलाई को रात दरबार डेरा बाबा चावल साल सिंह मंदिर के कुछ डाकुओं ने फायरिंग की। मंदिर के पुजारियों के आसपास के घरों में छिपकर जान बचाई। ये सब सीमा हैदर के लिए हुआ। कशुमर कथकोट के SSP इरफान सैमो के मुताबिक डाकू रानू शर पर इस हमले का शक है। इसमें ही सीमा के वापस न आने पर हिंदुओं पर हमले की धमकी दी थी। इधर खुद को गोरक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने वाले वेदनागर ने 72 घंटे में सीमा को वापस न भेजने पर आंदोलन की धमकी दी है। इससे पहले 12 जुलाई को मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में फोन कर धमकी मिली थी कि सीमा को लौटा दो नहीं तो 26/11 जैसा अटैक होगा। कॉलर उर्दू में बात कर रहा था। जल्द मिलता हूँ आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सीमा हैदर सच में आतंकवादी है या कोई जासूस है या फिर एक सच्चे प्यार के कारण यहाँ आई है, इस चीज का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे Facebook Instagram पेज को फॉलो जरूर करें। आप सबका साथ ही हमारी हिम्मत है। आप सबके साथ के कारण ही हम चैनल पर वीडियो प्रसारित करते हैं। ऑर्डर्स एक्ट के अंतर्गत जो अपराध पंजीकृत हुआ है उसका फैसला आएगा। फैसला आने के बाद जेल की सजा होती है या क्या होती है, न्यायालय का जो प्रकरण है वो समाप्त होगा, उसके बाद रिपोर्ट होंगे। सीमा की ट्रेनिंग, सीमा की शिक्षा, सीमा की भावभंगिमा, आत्मविश्वास, चार भाषाओं की जानकारी, तो ये चीजें अविश्वसनीय है। अच्छी खासी ट्रेनिंग जिसको कंसीलमेंट कहते हैं, डिब्रीफिंग होती है और कहीं से भी घुसपैठिया आता है या जासूस आता है उसको रहन सहन बोल चाल हर चीज का तौर तरीका समझाया जाता है। जो आज बच्चे चार छोटे बच्चे हैं ये कालांतर में ये हो सकता है स्लीपर सेल और उनके लिए माकूल कार्रवाई करें।